कोरोना के कहर और लॉकडाउन के बीच इंदौर के सिमरोल में लकड़ी चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं चोरी करने के दौरान फॉरेस्ट विभाग के चौकीदार को उन चोरों को ललकारना इतना महंगा पड़ गया कि जान से हाथ धोना पड़ गया और उसकी पत्नी बचाने आई तो उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। मेरे पिताजी चौकीदारी वन विभाग में चौकीदारी करते और वो जंगल में गए देखने के लिए तो लकड़ी काट रहे थे वो लोग। कितने लोग रोका? 8 जने। अच्छा। भाई होन भी थी, लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे, तो 5 जेंट्स थे, 3 लेडीज थे। तो इन्होंने लकड़ी काटने रोका तो फिर क्या हुआ? रोकने के बाद में फिर उनने पत्थर से और लट्ठे से मारने चालू हो गए। अच्छा। बोले तुम ही बीच में आके ना हमारा काम बाधा डालते कर। उतने में मारने लग गए, एक ने मारा, दूसरे ने मारे, मारते मारते पर पत्थर से भी मारा और लट से भी मारा। अच्छा। और कुल्हाड़ी के पीछे के मुंह से उससे भी मारा। फिर क्या हुआ? और पसली टूट गई और ये सामने साइड वाली जो दोनों इधर की पसली टूट गई, पीछे से मारा और सीने में लग गई तो वहीं दम तोड़ दिया। तुम्हारी मम्मी को? मम्मी को भी मारा तो मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और बेहोश हो गई।